मसूर में पिछले कुछ दिनों से मंदा देखने को मिल रहा है। दरअसल मसूर शॉर्टेज में आने के बावजूद कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के वेसल्स लगने से स्टॉकिस्टों का मनोबल टूट गया है, जिसके चलते ऊपर से भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं। जानकारों की माने तो अब इन भावों में एक बार फिर से तेजी बन सकती है और भाव ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल मसूर की निकट भविष्य में कोई फसल आने वाली नहीं है और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पहले के माल 80% तक बिक चुके हैं, जिससे बाजार देसी माल के 8,050 रुपए और विदेशी माल के 7,850 रुपए तक ऊपर में बिकने के बाद 250 रुपए तक लुढ़क चुके हैं। अब नीचे वाले भाव पर फिर आयात पड़ता महंगा लग रहा है। दूसरी ओर घरेलू फसल आने में अभी 5 महीने का समय बाकी है। इसी महीने नई फसल के लिए बिजाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगी। इसके अलावा यूपी में भी अक्टूबर में ही बोई जाएगी, लेकिन इस बार अधिकतर क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। उससे पहले मुंगावली, गंजबासौदा, सागर, भोपाल आदि में माल लगभग समाप्ति की ओर है। इधर गोंडा, बहराइच, झांसी, गोरखपुर, पटना, इन सब में भी छोटी मसूर का स्टॉक खत्म हो चुका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए नई फसल आने तक खपत के लिए जितना घरेलू मंडियों में माल चाहिए उतना माल आयात से सप्लाई नहीं किया हो पाएगा। इस बार कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा मसूर नहीं है। जानकारों का कहना है कि दो चले हुए स्टीमर भारतीय बंदरगाहों पर लग जरूर गए हैं, लेकिन वो माल बड़ी कंपनियों के हाथ में है। थोड़ा बाजार उनकी दहशत से मंदा जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा माल बड़ी दाल मिलों को नहीं मिल रहा। केवल दाल एवं मलका की बिक्री कमजोर होने और ऊंचे भाव में मुनाफा वसूली से भाव में गिरावट दिखाई दी है, अन्यथा ये करेक्शन भी नहीं आता। आज मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर मसूर बिल्टी में 6,650 से लेकर 7,675 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिले हैं भाव। वहीं विदेशी माल 7,500 बोले जा रहे हैं। अब इन भावों में घटने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही और वर्तमान भाव की मसूर में आगे भरपूर तेजी आ सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।